तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ना है कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में उसे देख चुके थे। ठीक, तो ये आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बार बार मैं एक ही शब्द बोलता है, धैर्य के साथ पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरल शब्द लिखे होते हैं तो हम पढ़ाई से ऊबने लगते हैं, तो हमें ऊबना नहीं है, बड़े अच्छे से पढ़ना है धैर्य रखकर। ठीक है, ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूजो अपने चाचा के घर गए। उसका चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराची, बेलचा, हल। अब देखिए कितना अच्छी कहानी का रूप देकर आपको समझाया जा रहा है, फिर भी आप समझ में दिख आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक विक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। बात करते हैं कृषि पद्धतियां। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। स्थायी जीवन यापन उनका नहीं था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में या दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है, पहला है आपका खरीफ फसल और दूसरा रबी। खरीफ फसल की बात करें तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है खरीफ फसल को? वर्षा ऋतु में, और खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये आपका पूछ लेता है, याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछ लेता है ये खरीफ फसल है, रबी फसल है, क्रम से लगाने के लिए आ जाएंगे, तो आप अच्छे से याद रखें। रबी फसल की बात करें तो शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। इसमें आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण। इसके अलावा कई स्थानों पर आपकी दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधिकारिक फसल पद्धतियां। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि वह यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका प्रयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, फिर आपका बुआई, खाद
खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। खेती किसानी करना इतना आसान भी नहीं होता है, देख लीजिए कितनी मेहनत होती है। फिर आपका बात करते हैं मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है फसल उगाने का। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, पोली मिट्टी में गहराई में, तसे जड़ी भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती है, आपने तो देखा होगा। कृषि करने से बोने से पहले उसकी जुताई की जाती है, ठीक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायक करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? याद रखिए, केंचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशेषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल मिट लकड़ी अथवा लोहे के बने होते थे। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपका परिवेश पालन पोषण ऐसी जगह हुआ है जहाँ खेती किसानी अच्छे से की जाती है, तो वैसे आप लोग इन सभी चैप्टरों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, बताइए कौन कहाँ से है, ठीक है, आपने ये देखी है प्रक्रिया की नहीं। आगे चलते हैं हम लोग कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर वेटर इस कार्य में उपयोग के लिए प्रमुख औजार है। देखिए ये है आपका, वैसे तो अब बंद हो गया होंगे ना ये हल, लेकिन अगर अभी भी उपयोग होते हैं तो बताइए आपका क्षेत्र कौन सा है, मैं भी तो जानू। जोत, ये आपका हल फाल हो गया, हल सेफ्ट। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद और उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट
लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। कुदाली ये है आपकी, देख लीजिए। फिर आपका कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं? मेरे क्षेत्र में कंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटीमीटर। आप अपने क्षेत्र का भी बताइए। बुआई, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बात करते हैं बीजों का चयन के बारे में। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के और भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं और यह जल में पर तैरने लगते हैं। अब आपने देखा होगा जब गेहूं घर में आती है तो जिसमें वो घुन लग जाता है, कीड़े खा लेते हैं उसे अंदर से, तो वो पानी के ऊपर आ जाता है। घर में जो भी इसे धोते हैं मतलब, तो उसे ऊपर वाले हिस्से को फेंक देते हैं। और अगर आप लोग उसकी बुआई भी करें तो कोई उससे बीज उत्पन्न नहीं होगा, पौधा उगेगा नहीं, क्योंकि वो खराब हो चुका है। जो नीचे बैठ जाता है वही असर आपका बीज होता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए, बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। आपको बताना है कि आपके क्षेत्र में अभी भी इस तरह के हल में पीक लगी होती है, बुआई होती है। पहले होती थी मेरे तरफ, लेकिन अब ज़्यादा मैंने नहीं देखी, तो आप बताइए। दूसरी आपकी सीड ड्रिल, क्या है सीड ड्रिल? सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों की को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनिए पौधे एवं पुष्प पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उससे पौधों को सूर्य का विकास, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। बात करते हैं फिर है आपका अगला चरण, खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार लगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह अपिक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अवशिष्टों से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्ट
को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अवघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अवघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अवघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6वीं में बर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। क्रियाकलाप एक, ये याद रखिए, एमपी क्रियाकलापों को आपको पढ़कर निकल जाना है समझकर, ठीक है, करके कर इन्हें कहीं प्रैक्टिकल करके मत बैठ जाना, मालूम चला कि 2 से 4 साल इसी में बीत गए आपके। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात लीजिए, इन पर ए बी सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए रखिए। इनमें से पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। देखिए, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रसायन रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों को के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई, यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्र है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, गेहूं दूसरी ऋतु में। इसके मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलते हैं हम लोग आगे, पढ़ते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या है। उर्वरक एवं खाद में अंतर, उर्वरक है ये आपका खाद है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होती है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ देखते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके प्रमुख मुख्य कारण है, इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जल में क्या हो जाता है, सुधर जाता है। अब बात करते हैं सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों
द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? जी हाँ, सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, जो सुविधा आपके यहाँ स्थित उपलब्ध है उसी से आप करोगे ना। ये आपका मोट, ये चैन पंप हो गया, ये डकेली, ये मैंने देखा है, पता है, ये मैंने देखा है। अगर आपने देखा है तो यस लिखिए और नहीं देखा है तो नो लिखिए। ठीक है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके भिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों से इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते परंतु कम यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके मोट जैसे घिरनी, चैन पंप, ढकेली, रहट, उत्तोलक तंत्र। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह आपका छिड़काव तंत्र। सिंचाई की आधुनिक विधियों की बात करें हम लोग, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग बेहतर से कर सकते हैं। मुख्य विधियां हैं निम्न। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ड्रिप सिंचाई, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने की यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। देखिए ड्रिप सिंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। बूजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई आप फसल उगा रहे हैं उसमें कोई ऐसा खरपतवार यानी कि ऐसी कोई पौधा उग जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, तो हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, वही आपका खरपतवार है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह, विकास की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने की में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पोषण एवं बीज बनने से पहले ही का होता है।
खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारवासी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ खेती की जाती है तो इस अध्याय को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और सभी एनसीईआरटी को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। बात करते हैं आगे। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय अथवा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब पहुंचते हम लोग कटाई पर। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों की को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। यह है आपका दराती, ये ऐसे हसिया भी बोलते हैं, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग हार्वेस्टर भी कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे 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 खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेतों में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानना चाहती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा होता है। यह आपका विनोइंग या फटकने वाली मशीन है, यह आपका कॉम्बाइन हो गया या हार्वेस्टर। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी फल खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी बनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। फिर आता है आपका भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो उत्पाद होता है उसका भंडारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया हो तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आए। इनसे इनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है जिससे इनको पीड़कों जैसे चूहों और कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चूहों एवं कीटों से सुरक्षित किया जा सकता है।
आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, आगे देखते हैं। देखा होगा इस तरह से भंडार गृह, अनाज भंडारण हेतु साइलो। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं जंतुओं से भोजन। दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, उठनी। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मांस हो गया, अंड, ऊन हो गई, ठीक, ऊन सॉरी ऊन छोड़िए, क्योंकि ऊन तो पहनने के लिए, खाने के लिए थोड़ी है, मांस हो गया, दूध। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे ही आप लोग पशुपालन कहते हैं। मछली जो होती है ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। विटामिन डी आपका सूर्य में भी होता है। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा है? अब जैसे हम पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं, अब हमें अपनी क्षमता जानने के लिए कि हम अच्छे से पढ़ा है या नहीं, तो इन शब्दों की परिभाषा जान लिया करिएगा, देख लिया करिएगा इन शब्दों को। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन शब्दों की परिभाषा देने में या इन शब्दों के बारे में जानना आप जान सकते हैं, मतलब आपको पता होगा। कृषि पद्धतियां, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीद, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार, खरपतवार नाशी, फटकना, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाली एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल अथवा पाटल का उपयोग करते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद अथवा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाना जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ होता है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीनों से हटाना, काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं आपको। चलिए तो इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन से देख लेना, और याद रखना आपकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सेव रख लीजिए। अगर आप लोग इसे बड़े धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, क्या था? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म जीव, मृत एवं शत्रु के बारे में, ठीक है।